नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया। दोस्तों, पिछले हमारे वीडियोस में कुछ लोगों ने हमसे कमेंट्स किया कि मतलब आप यादव जी के ऊपर मैटर क्यों नहीं लिखते। तो मैंने उनसे बोला भाई, मैं यादव जी का मैटर अवेलेबल लिख चुका हूँ। हमारे पिछले वीडियो पे आप जाके देखेंगे, चौथे या पाँचवें वीडियो पे मेरे चैनल्स पे जाके, तो वहाँ पे मैं यादव जी का आर्केस्ट्रा हिट मैटर तीन प्रकार से गाने के लिए मैं बताया हूँ। एक ही सॉन्ग को तीन प्रकार से कैसे गाया जाए मैं उसको बताया हूँ अच्छे से, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैं हर बार यादव जी का मैटर ही लेके आऊँगा तो और लोग क्या करेंगे, यदि उनको चाहिए भी तो मैं फिर से यादव जी का मैटर लेके आऊँगा भाई। क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग भाई देखिए, हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करिए उसको आगे भी। तो उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको चाहिए तो यादव जी का मैटर फिर से मैं लेके आ रहा हूँ। तो और मतलब यादव जी किसी जात पात के ऊपर गाने क्या यार, मतलब क्या, जैसे एक बार मान लो किसी जात के ऊपर गाए ना, तो कोई कोई जिस तरफ भाग रहा उस तरफ आप मत भागिए। आप अपना देखिए, आप मतलब अपने जात के ऊपर गाएंगे कितना दिन तक गाएंगे, एक गाना गाएंगे, दो गाना, तीन गाना, आए यार मतलब अपना देखिए। अपना आर्केस्ट्रा हिट मैटर अभी चल रहा है तो आर्केस्ट्रा हिट ही मैटर मतलब दे दीजिए, उसमें यादव जी का बात, ठाकुर जी का बात और ये सब जात पात वाला मतलब लफड़ा होता है। इसलिए यादव जी का और पंडित जी का, ठाकुर जी का ये सब मत लाइए। जो है सॉन्ग आर्केस्ट्रा हिट मैटर का डिमांड है आइटम सॉन्ग का, तो आप आइटम सॉन्ग और बेवफाई सॉन्ग, सैड सॉन्ग आप मतलब गा सकते हैं। मेरे चैनल पे सैड सॉन्ग मिलेगा आपको बहुत अच्छा अच्छा, और आइटम सॉन्ग तो ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि आइटम सॉन्ग का मैं ज़्यादा ही मतलब लिखता हूँ सॉन्ग। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा जाति पाति के चक्कर में मत पड़िए। अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हॉट सॉन्ग ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा अगर मार्केट में आप देख ही रहे हैं जो भी सॉन्ग हिट होता है हर बार, ज़्यादा करके आइटम ही सॉन्ग हिट होता है, तो आइटम सॉन्ग मैं ज़्यादा लिखता हूँ। हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो आइटम सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो बस मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जात पात के चक्कर में मत भागिए, आप अच्छे से आइटम सॉन्ग ही गाइए। और उसके बाद में जो टाइम टाइम से चलता है, जैसे नवरात्रि आए तो नवरात्रि का, और ये होली आया तो होली का, मतलब पर्व मतलब जैसे जैसे आए उसी के हिसाब से मतलब करना चाहिए। तो अब मैं यही ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस यही बोलूँगा कि जात पात के चक्कर में आप मत भागिए। तो थैंक्स दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो और आपको कौन से जाति का मैटर चाहिए तो ये हमको ज़रूर बताइएगा। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ लेकिन भाई आप लोग बोल रहे हैं तो मैं लिखूँगा, क्यों नहीं लिखूँगा, बस मेरे को जो कहना था कह दिए। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।